Hey guys, Economy में आप सभी का स्वागत है। फाइनली गाइज Samsung S21 FE5G डिवाइस में आ चुका है अक्टूबर का न्यू अपडेट। तो गाइज आज के वीडियो में बात करेंगे इसी अपडेट के बारे में, देखेंगे इस अपडेट में हमें क्या कुछ न्यू इम्प्रूवमेंट एंड फीचर देखने को मिलता है। तो गाइज अगर आप भी यूज़ करते हैं Samsung S21 FE5G डिवाइस तो वीडियो को इन तक देखते रहेगा। बट उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज आपको रेगुलर मिलते रहे। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये रहा Samsung S21 FE5G का अक्टूबर अपडेट। चलिए गाइस अब बात करते हैं इस अपडेट के बारे में। सबसे पहले बात करें इस अपडेट के वर्जन और साइज़ के बारे में। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे वर्जन चेकआउट कर सकते हैं। और अब बात करें साइज़ के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अपडेट का साइज़ है वो हमें मिलता है 240.20 MB। और साथ ही साथ गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच दे दिया गया है जो कि है 1 अक्टूबर 2022 का। यानी कि जैसे ही आप अपने मोबाइल में अपडेट को इंस्टॉल करेंगे आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपने मोबाइल में दिखने को मिल जाएगा जो कि आप अपनी सेटिंग में भी चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कुछ यहाँ पर इंप्रूवमेंट की गई है आपके मोबाइल में इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद। जैसा कि पहले तो आप देख सकते हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ योर डिवाइस हैज़ बीन इंप्रूव्ड। यानी कि गाइस आपके मोबाइल का जो स्टेबिलिटी है उसको यहाँ पर थोड़ा इंप्रूव किया गया है, जिसके मदद से अगर आपके मोबाइल में कुछ भी छोटे मोटे बग्स या कुछ यहाँ पर ग्लिचेज होंगे वो यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं द सिक्योरिटी ऑफ योर डिवाइस हैज़ बीन इंप्रूव्ड। तो बेसिकली यहाँ पर आपके मोबाइल का जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर इंप्रूव हो चुका है, क्योंकि आपको ऑलरेडी सिक्योरिटी जो यहाँ पर लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है वो दे दिया गया है। तो आपके मोबाइल का जो सिक्योरिटी है वो आपको यहाँ पर इंप्रूव दिखने को मिल जाएगा। उसके अलावा गाइज यहाँ पर आप लोग को ये भी देख सकते हैं इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपके मोबाइल में कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जो कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे लेटेस्ट वर्जन में। और यहाँ पर जो एप्लीकेशन का नाम है वो भी आप देख सकते हैं, जैसे कि Samsung Notes का जो ऐप है वो अपडेट हो जाएगा, गैलेक्सी वेयरेबल, Samsung Kids, Samsung Notes, Samsung इंटरनेट, Samsung हेल्थ, स्मार्ट थिंग, Samsung मेंबर, Samsung पे, कैलकुलेटर, स्मार्ट स्विच और वॉइस रिकॉर्डर। यानी कि गाइस इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपके मोबाइल में ये सारे ऐप ऑटोमेटिकली अपने लेटेस्ट वर्जन में इंस्टॉल हो जाएंगे। तो गाइस देखा जाए काफ़ी अच्छा अपडेट है। अगर आपको भी अपने मोबाइल में अपडेट मिल चुका है तो अपडेट को इंस्टॉल कर लीजिएगा, और जिनको नहीं मिला है आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए, विद इन अ वीक आप सभी को अपने मोबाइल में अपडेट मिल जाएगा। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।